कॉन्वर्सेशन ज्यादातर सिनेमा को लेकर था, फिल्म यस थैंक यू I think the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of y'all in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is, and that should not be the only aspiration. Ek hota hai ki you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned, give better talent a chance, give more talent a chance. So, jo cheeze hame shayad pata hai, jo hamare zehen mein, wo baatcheet mein nikal ke ubhar ke aati hai, that we are heading in a good direction. Jahan tak humne aaj baat ki, there is a company called Rentrack, jo all over the world they officially disclose figures to you every night. Rather than speculation, जो हमारे यहाँ होता है जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है, बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भाग दौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पर चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज, शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू आर केटरिंग टू. आई थिंक Rentrack कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसिस मच बेटर, विच इज जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट इन्जॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहां तक पहुंचे और कहां तक जा सकते हैं. नो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सी ईच फिल्म इज अलाउड इट्स ब्रीदिंग स्पेस. आजकल थिएटर कल्चर हो गया एक हफ्ते दो हफ्ते का. हैदर और बैंग बैंग अभी तीन हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी विच इज अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग इधर आ जाओ. आई थिंक वो अनफेयर है. जैसे टू स्टेट्स अभी थे, अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो फाइव मंथ्स इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली. जी अभी हम हल का एक ट्रेंड देखें कि जब भी कोई नई फिल्म आती है उसका पहले दिन का प्रमोशन पहले दिन कितना कनेक्ट किया, इस पर मार्केटिंग होती है कि हमने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. जी या एक वीकेंड का हम ब्रेक कर रहे हैं या एक मंथ का हम ब्रेक किया है. जी 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 जी. तो क्या जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं क्या, आप ये कह रहे हैं मतलब एक्टर की जितना. यार इट इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन. अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है, बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है. तो देर इज नोबडी टू कॉन्ट्रेडिक्ट दैट ना, अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा है. आप कैसे देखिए, अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है, तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है. अगर आपको नंबर नहीं पसंद है आपने बोल दिया तो मैं कैसे मान लूँ, या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा मैं कैसे मान लूँ. इवेंचुअली देर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस, ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था. पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं. तो Rentrack जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, हमारे ओवरसीज़ के फिगर Rentrack ही हैंडल करता है. तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे, चाहे वो UAE हो, चाहे वो UK हो, चाहे US हो, Rentrack डील्स विद ऑल आर नंबर्स, तो देर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट. आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज़ में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया, आपको वही वो डिस्पैरिटी नहीं आती. तो कहीं ना कहीं Rentrack आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए.
ताकि टुमारो इफ वी मेक अ फॉल्स क्लेम यू कैन कैच अस आउट देयर इज एविडेंस फॉर द प्रोड्यूसर टू नो व्हाट दे आर सपोज टू से रादर देन अनाउंसिंग ऑन वन नाइट बिफोर टेक द मॉर्निंग एंड देन अनाउंस इट जल्दबाजी कम हो जाएगी गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी आज क्या होता है ना कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है एक वहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है एक बोलता है इसने झूठ बोला एक बोलता नहीं ये करेक्ट नंबर है वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान दे पाए जो जिसके लिए हम काम करते हैं टू बिगिन विद बिकॉज लाइक ही सेड इट टेक्स टाइम टू सीप इन टू हमारी लाइक आई कीप सेइंग वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ थिएटर्स इन द कंट्री वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इट विल टेक देम टाइम टू इंटरैक्ट वन ऑन वन विद दीज पीपल टू गेट देम टू फील कंफर्टेबल टू शेयर फिगर्स एक जर्नी होती है वॉट ही डिड से इज़ द मल्टीप्लेक्सेस आर मोर देन विलिंग दैट्स अबाउट 50% दैट्स अ गुड स्टार्ट एटलीस्ट यू नो 50% इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड होपफुली विद इन अ ईयर hopefully with the support of the film industry with the support of the theater owners the transparency improves and it will become easier for all of us to move beyond discussing picture ne business kitna kiya ji aap kuch pooch rahe the tevar ke trailer ko twitter par upload karne ki koi khaas wajah tevar ke trailer ko nahi kiya maine tevar ke poster ko maine upload kiya tha uski khaas wajah yahi thi ki main pehli bar jab twitter pe aaya tha mujhe thoda dar sa tha ki interaction kaisi hogi tabhi पर अब मुझे मजा आता है ट्विटर पे मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस ना कि वेट करे कि 3-4 दिन बाद क्या पता लगे और जिनके लिए पिक्चर बनाते उनको पहले दिखाना चाहिए इट्स बिन वेरी वेरी नाइस आई मीन आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज बहुत इंटरेक्शन हुआ उसको लेकर जैसे दे रिएक्टेड टू द मोशन पोस्टर दे रिएक्टेड टू बोथ दैट पोस्टर्स एक पोस्टर में को एक सर्टन वे लगा बेल वाले पोस्टर में उनका सर्टन रिएक्शन आया तो एटलीस्ट यू नो देयर आर सर्टन पीपल हु आर इन अवेयर ऑफ योर फिल्म ऑलरेडी एंड इट्स जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपके फैन बेस में सोनाक्षी के फैन बेस पे पीपल हु हैव सीन ओकुड़ू दी ओरिजिनल दे कैन सी इट एंड से अच्छा चलो हमको लग रहा है वी आर डूइंग जस्टिस टू इट आपको भी उसी के द्वारा आजकल न्यूज़ तो सारी ट्विटर से ही मिलती है अगर मैं आज फोटो लगा दूँ तो पहले ट्विटर पे आप ही उठा के फिर ही डालोगे तो आई थिंक इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद आर ऑडियंस इज टू गेट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे होगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के टर्म्स में जो मीडिया हम देखते हैं जो पहले हम बहुत बात कर चुके हैं लेकिन फिर हम जी कि लिंकअप्स भी पार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए गए देखिए लिंकअप्स एक ऐसी चीज है जो आपको ये समझना पड़ेगा जब मीडिया को सूट करता है तब भी वो लिखती है तो स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है अगर कोई दूसरा लिखे या चर्चा करे या आके फोटो खींचना शुरू करे हम अपनी ज़िंदगी बीच में भी जी लेते हैं तभी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती तो जब मीडिया को सूट करता है तभी वो लिंकअप्स भी बनाती हैं तो इट्स अ डबल एज शॉट जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको अपने अंदर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं अगर कोई ट्रूथ नहीं है तो आप दर्जा क्यों दे रहे हो उस न्यूज़ को नहीं मत दीजिए the fault if there is a fault lies in both parties it is not only ki are inka link up kara rahe taki picture promote ho aap likho mat phir to automatically hum sab kam kar denge agar aapko lagta hai ki hum jhoot bol rahe ho to ye apne aap kam ho jayega for Tevar I did see Okudu and I saw Gilly as well which Vijay has done in Tamil I saw both the versions par maine bahut pehle dekhi thi jab actor bana tha uske pehle dad ne mujhe dikhayi thi because Okudu is actually made in 2003 so I'd seen it back then before Ishak Zada actually and I'd really liked it back then but I have not based my performance on either Mahesh Babu sir or Vijay primarily because they cater to their sensibility and their audience and their major tremendous fan base हमने कोशिश की है कि वी मेक अ फिल्म दैट इज़ मोर फिल्म ओरिएंटेड रादर देन स्टार ओरिएंटेड जब आप ट्रेलर देखेंगे आपको शायद समझ में आएगा और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे दैट द परफॉर्मेंस इज नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू हाउ दे हैव प्लेड इट इट्स सेट इन अ मोर रियलिस्टिक टोन इन दैट सेंस नो ऐसा थोड़ी ना कि सीन देख के फिर एक्टिंग करने जाऊंगा अच्छा इन्होंने ऐसे क्या रेडी सर थोड़ी ना ऐसे होता है नहीं तभी देखा था याद था जहन में स्टोरी थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक कहानी अबाउट अ बॉय एंड गर्ल ऑन द रन जहाँ पे दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर सर्कमस्टांसेस उनको एक साथ फंसा देते हैं वो लड़का एक लड़की के लिए कुछ अच्छा करने जाता है सब टेढ़ा हो जाता है उसके साथ तो ही इज देन ऑन द रन विद दिस गर्ल दैट ही डजंट इवन नो सो दैट आई फाउंड दैट डायनामिक वेरी इंटरेस्टिंग हमेशा क्या होता है लोग भागते जब प्यार में होते ये भगा रहा लड़की को क्योंकि फंस गया उसके साथ तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग पहले लगा था एंड इट्स प्योरली अ फिल्म दैट इज ऑन द रन दैट टर्न्स इनटू अ लव स्टोरी इवेंचुअली सी यू गाइस आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज
you come and discuss your love and passion for cinema, you get to watch great cinema, you get to watch films that maybe don't kind of get a big release normally, like Mommy, for example, that was played here yesterday. So it's wonderful to see when people who do have a power, you know, give the voices to these people who cannot speak. And this is one such film, whether it's, you know, child rights advocate, you know, being an advocate for child rights, or bringing a change in the society. I think we all are responsible in our own ways to take that step and make that change happen. So I would like to thank all the people in this world who are making that change, making the difference, and this film is dedicated to them. So as we unveil it. लड़के नहीं रोते बैठो लड़के रोते नहीं स्टॉप क्राइंग रोहन आर यू अ गर्ल बॉयज डोंट क्राई ओके आर यू अ गर्ल व्हाई आर यू क्राइंग डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल बॉयज डोंट क्राई लड़के रोते नहीं लड़के रोते नहीं है लड़के रोते नहीं है लड़के रोते नहीं है लड़के नहीं रोते यार ओ देवदास छोड़ना यार लड़के ऐसे नहीं रोते बचपन से ही सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। शायद बेहतर होगा अगर हम सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं। And finally, strong. Going strong? Yes, yes. So finally, we'd like to call on stage an icon of Indian cinema. An icon of Indian cinema, a true superstar, with all his clothes on, the amazing Aamir Khan. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be here. I'm really happy to be here. I'm really upset that I wasn't here this entire week. I was traveling. But I'm so glad I could make it for the closing night. I'd just like to say that it's so important, I think, for our city of Mumbai to really sustain this festival. I know that this year the festival went through a really rough time. And I'd like to start by thanking all the people who actually created the festival, thought of it till here. These last 15, 16 years, all the very people who were behind it from the first year, and the Anil Ambani Group for the last 5 years has supported this festival, and I'd like to thank them, and all the various people who came forward this year when help was needed. I think probably as one of the people from the film industry, it's my dream that the Mumbai Film Festival, MAMI, finally becomes a destination that filmmakers from different parts of the world look forward to. A festival that filmmakers and actors from different parts, talented people from different parts of the world would like to come here and share their time with us, their work with us. I'd really like to see this festival reach that stage. I think that is possible if put our minds to it. So I think Anu and Ryan, we should look forward to wonderful next year, and I think industry has over the years, the Bombay film industry has not been so supportive or so aware and so involved right to now. We really have to make this our own festival, and I
think that's the spirit with which it started. I remember I was part of the first year as well when I gave an award to Dev Sir. I remember that emotion with which it actually started. And somewhere along the way, I kind of forgot all about it. But in a sense, I'm glad it happened this year happened because I think it reminded all of us the festival means a lot to us. And I think we can really come together to make this festival really grand in what it is and warm as it has been. I hope that all the people who've come from different parts of the world have had a good time. I hope that you guys enjoyed the festival. You have, huh? Good. Glad to hear that. I think that also the festival really gives an opportunity for young filmmakers in Mumbai and other parts of India to showcase their work. You know, as we saw some talent in the under 5 section, etc. So it's really nice because we are trying to, this festival is also kind of a breeding ground for young talent, give them an opportunity to show their work, and that's wonderful to see as well. So for various reasons that we all need to make sure that this festival goes from strength to strength. I'd like to congratulate all the winners. I'd like to congratulate all the people who took part in the festival and thank all the volunteers and people who worked so hard to make this possible. I know that people have worked